लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का फ्री हैंड मिलने के बाद अवैध भू माफियाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को जिला प्रशासन और नगर निगम एक बार फिर भू माफियाओं पर कहर बनकर बरसा, जहां नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त अमले ने भोपाल के बीच स्थित जहांगीराबाद के चर्च रोड पर बने अवैध मकान पर अपना बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगर निगम के अमले ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जहांगीराबाद के बदमाश माइकल स्टैंडली के मकान और अवैध दुकानों को भी जमींदोज कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक तोड़ी गई सभी दुकानें माइकल स्टैंडली नामक बदमाश की थी, जो काफी साल से भोपाल की जेल में सजा काट रहा है। जिसके बाद अतिक्रमण अमले ने गांधीनगर पहुंचकर बीजेपी पार्षद के पति राजू मीणा के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की, जहां अतिक्रमण अमले के साथ बैरागढ़ एसडीएम तहसीलदार और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मालूम हो कि गांधीनगर थाने के सामने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पार्षद पति ने दर्जनों दुकानों का अवैध निर्माण करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।